रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खिचड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने ये खिचड़ी वाली दाल ले ली और ये चावल ले लिए। इसको हमने साफ करके अच्छे से धो लिए और इसको हमने भिगो के रख दिया था। हमने कुकर ले लिया, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम 3 गिलास पानी के ऐड करेंगे। हमने इसमें पानी ऐड कर दिए। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 15 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। खिचड़ी रेडी हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके साथ आलू का सालन बनाएंगे। हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। इसको हम भून लेंगे, आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने फ्राई कर लिया। अब इसको कवर कर लेंगे 5 मिनट। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे, पीसा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, पीसा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके 5 मिनट तक हम पका लेंगे मसालों को अच्छे से। जैसे ऑयल निकल आया, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब इसको कवर करके टमाटर को पकने देंगे। की सब्जी रेडी हो गई है। मैं आपको खिचड़ी और आलू की सब्जी की मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। हमें खिचड़ी ऐसे ही गली हुई चाहिए थी। ऐसी खिचड़ी के साथ आलू की सब्जी अच्छी लगती है। इसमें मैंने मक्खन डाला है। इस तरह से आपने सर्व करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियो बना के ला सकूं। जज़ाकअल्लाह हाफिज़।